ये जिंदगी गुजारते खुद एक जंग है। अच्छा आपको ना, आप लोगों को मिलना शुरू करें, आपको बाज लोग लगेगा फाइटर है, वो बोले जंग नहीं, लड़ने वाले लोग नहीं, जिंदगी की जंग लड़ना जा रहा है, लड़े हो, फाइट कर रहे हो, इश्यूज है, गिरेंगे फिर उठ जाएंगे, फिर नया जज्बा, फिर नई उमंग, फिर नई तरंग, ठीक है जी। असल जंग अखाड़े की नहीं है, असल जंग कौन सी है? लाइफ का रिंग बहुत बड़ा है, 60-70 साल का रिंग है, फिर कितनी बार गिरना होता है, ये स्मूथ रोड नहीं है, ये जिंदगी जंग है, इस जंग को आखिरी सांस तक लड़ना है। खुदा के लिए बैठे बैठे कमाने की आदत छोड़ देना है, आ जाए तो बड़ी अच्छी गुजर जाएगी ना, छोड़ दे। सर जिनकी विरासतें बड़ी अच्छी है ना, मैंने उनको रुलते देखा, या फिर विरासतें संभालते देखे, कई जातों के बारे में कहते हैं जमीन ते मां नहीं शेयर कर सकते, है कि नहीं है? ओ भाई क्या करनी है, बेचे खाए पिए आगे निकले, ओ जी मेरे पोतों का क्या बनेगा, यार वो बाजू के बगैर है, टांगों के बगैर है, वो क्या मेहनत नहीं करेंगे, मेरे परदादे दादे ने मेरा नहीं सोचा। हाँ बाप होने की जिम्मेदारी जरूर है एक लिमिट तक, लेकिन आने वाले जमानों के लिए प्लॉट लेने की प्लानिंग डिफेंस के माकत, जिंदगी जंग है, खुदारा अपनी जंग खुद लड़े और बच्चों को उनकी जंग लड़ने दें। हाँ थोड़ा बैक पुश दे दें, सपोर्ट कर दें, पीछे थोड़ी सी कुशन होना चाहिए, प्यार कभी जरूरत पड़ गई है तो अच्छा बाप अच्छी माँ होने का रोल प्ले करें, लेकिन जंग लड़ने की आदत बच्चे को खुद डालें और अपनी आदत भी बनाए तो अपनी जंग को लड़ें। बात समझिए इस जंग के शरायत क्या है, लिख लीजिएगा। पहली शर्त सर, ये जंग खुददारी से लड़ी जा सकती है, इसमें खुददारी नहीं है ना वो नहीं लड़ सकता, ये जंग पैशन से लड़ी जा सकती है, इसलिए बार बार मोटिवेशन चाहिए होती है, कुछ सेशन, कुछ सेमिनार, कुछ वीडियो। नेक्स्ट, इस जंग के लिए एक बड़ा ताकतवर टूल है, वो है हार्डवर्क। सर मेहनती इतने हो जाए सोच नहीं सकते, वासिफ अली वासिफ का एक कोटेशन का मफहूम है कि नलायक का शॉर्टकट मेहनत है, नलायक के पास मेहनत का ऑप्शन ही कोई नहीं। नेक्स्ट, फाइटर फोकस्ड रहना, फोकस्ड हो खुदा के लिए, अगर आप 120 पे गाड़ी चलाना चाहते हैं मोटरवे पे और नजारे भी देखना चाहते हैं तो ये खदशा है कि गाड़ी खाई में जाएगी, फोकस्ड तय करें जाना कहां पर। सर नजारे तो रस्ते में तो फुल्ला दी खुशबू है चंगी, ऐदरू मदरू बच के लंगी, इंसान अगर अपने ट्रैक से आउट हो गया ना तम हो गया, फोकस्ड जंग लड़नी है तो फोकस रखना, ठीक है। करना क्या है, जाना किधर है, मंजिल क्या है, दूर की मंजिल है, छोटे झगड़े में नहीं पड़ना। अगला टूल, नेक्स्ट टूल, सबर। सर इस फाइट के लिए सबर चाहिए, हर चीज आज नहीं होगी, कुछ चीजों को वक्त डिफाइन करें, ठीक है जी। डिटर्मिनेशन, लगे रहना। अगले वाला लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, सर याद रखें अपनी जंग को ऑन करें, ऑन मीन अपनी जंग है भाई, गिले शिकवे नहीं करने। जो बंदा मेवा भी खाना चाहता है और मसला भी नहीं लेना चाहता, ये वो फाइट नहीं कर रहा। जन्नत में जाना है मरना पड़ेगा, बाली पहननी है कान चुदवाना पड़ेगा, ये चुदवाए बगैर सुराख किए बगैर बाली नहीं पहनी जा सकती, ब्यूटीफुल नहीं लगा जा सकता, नहीं। सो याद रखिए जंग लड़ने के लिए शिकवे कम कर दे, शिकायतें कम करें, ऑन करें यार। नेक्स्ट पॉइंट जनाबे वाला, हमेशा अपने नाकिद बनो, तनकीद करो अपने ऊपर ताकि दुनिया को तनकीद ना करनी पड़े। अक्सर कहता हूं जो खुद अपना मुफ्ती है ना उसको मुफ्तियों से वास्ता कम ही पड़ता है, जरा नामों में जुमला लिखा हो, अपने मुफ्ती बनो, अपने नाकिद बनो, अपने क्रिटिक बनो, अपनी गलती को जानने की कोशिश करो, अपनी इसलाह करने की आदत डालो।